नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद, आया माँ, तुम्हारी चाय बेटे। तुम्हारी चाय। थैंक यू मम्मी। बेटा एक बात कहूँ। कहो माँ। देखो अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तुम ठीक हो गए, ये घर ठीक हो गया, बस एक चीज की कमी है। कमी? हाँ बेटा, एक बहू की शादी तो मैं करूँ माँ, लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ शायद मुझे स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्यों नहीं कर सकूंगी? तुझे पसंद है ना, तो मुझे भी पसंद है। बेटा जल्दी सोचे ले आओ और ये कमी भी पूरी कर दू। माँ आनंद, विद्या जी आप आज तुमसे एक जरूरी बात करने चला है। मुझसे? हाँ विद्या, एक दिन तुमने कहा था ना मैं किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूं, अपनी जिंदगी सुधार लूं। जी तो विद्या तुम ही सुधार दो ना मेरी जिंदगी। जवाब दो विद्या। इस दया की क्या जरूरत है बाबूजी? ये दया नहीं, प्यार है विद्या। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है विद्या। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए विद्या। एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता बाबूजी। समझ गया विद्या, इसका मतलब है तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया। नहीं नहीं, माफ तो मैंने सचमुच कर दिया है, लेकिन लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप मुझसे शादी करके अपने माँ बाप को क्यों सजा देना चाहते हैं? प्यार बहुत बड़ी सौगात है बाबूजी, जो आप मेरे लिए लाए हैं। पर मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि सबके अरमानों को, सबकी खुशियों को सिर्फ अपने लिए अंधेरे में झोंक दूँ। ऐसा मत कहो विद्या, ऐसा मत कहो। बाबूजी आप उस वक्त भी अंधे थे जब आप हैवान बने थे, और इस वक्त भी अंधे हो जब आप इंसान बन गए हो। अंधा प्यार बहुत बड़ी अमानत होती है बाबूजी, लेकिन लेकिन क्या विद्या? मैं उसी प्यार का वास्ता दे रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा ना बाबूजी, अंधा प्यार बहुत बड़ी अमानत होती है, लेकिन एक अंधी लड़की के साथ जिंदगी निभाना आसान नहीं। मैं निभा के दिखाऊंगा, मुझे एक मौका तो दो। मैं आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूं बाबूजी? मैं शादी नहीं करूंगी बाबूजी, कभी नहीं करूंगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे बहू जरा गंगा जल के शीशी लाना। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अरे बहू सुनील तैयार हुआ कि नहीं? सबके प्राणपति, किस विद मिलू दयामयी, किस विद मिलू गोस्वामी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। अरे बहू मुझे एक ग्लास दूध तो दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। गाओ। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, आरती तो खत्म हो गई। ए वहीं बैठा रहे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे भाई
जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। ओम हरे 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 ओम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ले ले दादी वो दादी मैं खेलने के लिए ले जाऊं। खेलने के लिए? अरे असली सोने की है 25 तोले की, खेलने के लिए ले जाओ। चल हट यहाँ से हट। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब आए हो? अरे भगवान का नाम नहीं लोगे तो बच्चे कैसे होंगे? अरे भुआ जब तुम भगवान के इतने करीब हो तो हमको पूजा करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा मैं पूजा तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ, मेरा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। हाँ जी। मेरी बेटी मेरी मुन्नी ये क्या कर लिया तूने? मामा मामा आप कहाँ चले गए थे? मामा इतने दिन आप कहाँ थे? मैं तो आज ही कलकत्ते से आया हूँ बेटी अपनी पेंशन लेने। गंगूबाई ने सब हाल बताया तो मैं दौड़कर तुम्हारे पास आया। आप मिल गए होते मामा तो हमारी ये दुर्घटना होती, शायद पिछड़ा हुआ भाई भी मिल जाता। अरे मैं होता तो तुम्हें ये तकलीफ ही क्यों होती? यही भाग्य में लिखा था मामा, बापू हमें छोड़ के चले गए, आप मुंबई छोड़ के चले गए और मुन्ना मुन्ना यहाँ के खो गया मामा। लेकिन उसके खोने की खबर पुलिस को दी थी? हाँ, कल्याण से लेकर यहाँ तक सब थानों में रिपोर्ट लिखवाई थी पर कुछ पता नहीं चला। राम जाने वो बम्बई में है या नहीं। विद्या हाँ तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारा भाई खो गया? तुम्हें क्या बताती भैया, पहले तुम्हारे इतने एहसान है। तुमने उसे खोजा? हाँ जब तक आंखें थी उसे ढूंढते रही, जब आंखें नहीं रही तो राजा को कहाँ से ढूंढती। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? राजा। राजा कितना बड़ा है वो? 8 साल का। 8 साल का? हाँ। और उसने खाकी पेंट और सफेद कमीज पहनी थी? हाँ, आपको कैसे मालूम? विद्या चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला दूं। राजा से? हाँ। सच? हाँ। कहाँ है वो? चलो चलो। चोर बता कहाँ है मेरे भगवान की मूर्ति? मुझे नहीं मालूम बुआ, मैंने नहीं ली, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चल मार मार कर हड्डी चूर कर दूंगी, कहीं से भी ला दे मेरी मूरत, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। चोर डाकू कहीं का। अब मैं क्या करूं? बोलू मेरे 25 तोले की भगवान जी। नहीं माँ जी उसने चोरी नहीं की होगी, माँ जी वो चोर नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ जी। हाँ जी? नहीं जी। राजा राजा लो तुम्हारी किताबें आ गई। ओ, मेरे 25 तोले के बाल किशन जी, मेरे 25 तोले के भगवान राजा चुरा कर ले गया। नहीं नहीं राजा ऐसा नहीं कर सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे वाह चुराता नहीं तो लेने क्यों जाता? लेने गया है? हाँ जब मैंने डांटा डपटा और 2 तमाचे लगाए तो कहने लगा बुआ जी लाकर देता हूँ लाकर देता हूँ। मैंने कहा जब तक नहीं लाएगा घर में नहीं घुसने दूंगी। हाँ आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि आपने उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया? ये क्या कह रहे हो बहू? राजू और राजू देखो तुम्हारी दीदी आई है। राजा को बुआ ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? अरे तौबा करो बहू, क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? वो खुद 25 तोले की मूर्ति चुरा कर भाग गया। नहीं नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उस नादान पे इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती बुआ? वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये लो जवान क्या खोली इल्जाम लगा दिया। चुप रहो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें। सड़क के छोकरे पर इतना भरोसा हो गया, ना जाने कहां से उठा कर ले आए चोरू चक्के को। सुनिए हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं मामा। हाँ? चची चलो। विद्या नहीं भैया मुझे जाने दीजिए। नहीं विद्या तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, राजू जरूर कहीं पड़ोस में छुपा होगा, मैं उसे भी लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। सीमा तुम इसका ख्याल रखना। Thank you.
अच्छी है। बहुत अच्छी। ये सोने की कुर्ती मेरी है, मुझे दे दो। चल राजा भेड़े, चल साथ चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, गाड़ी की सैर करवाते हैं। छोड़ो मुझे, 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 सोने की मूर्ति और राजा। राजा आराम ज्यादा। अच्छी है, चुरा के लाया क्या? दे दो मुझे, बुआ की है। बुआ का बच्चा, हमसे भागता तोड़ दे टांगे साले की। Thank you.
पकड़ ले, छोड़ना नहीं राजू। आजा ऊपर बैठे, आजा जल्दी। राजा मिला? नहीं। माँ, माँ, मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने चुराई नहीं थी। राजा, ये लीजिए। राजा, भैया। दीदी, राजा तू है ना? दीदी, राजू, दीदी, राजू, दीदी, चोरी कहाँ चली गई थी दीदी? कहाँ चली गई थी दीदी? कहाँ चली गई थी दीदी? तुम्हें राजा कहाँ मिला? बस इत्तफाकी समझे। बाबूजी, पापा, आनंद अंकल ने ही तो मेरी जान बचाई। गुंडे मुझे उठाकर ले गए थे और छोड़ते ही नहीं थे। आनंद अंकल ने उनकी वो पिटाई की, वो पिटाई की, जिंदगी भर याद रखेंगे। ये लो भुआ, तुम्हारे 25 तोले के भगवान जी। खामखा उस बेचारे को चोर बना दिया था। चुराई नहीं थी तो लाई कहाँ से?
नालायक, मार मार का भुता बना दूंगा। ए, ए, वकील बाबू, चाची जी, चोर है ये। इस जैसा नालायक बेटा पैदा करने के लिए मेरे सर पर 100 जूते मारिए और एक गिनिए। हाँ जी, हाँ जी, ये जूता मेरा नहीं है। बताओ सबको, मूर्त मैंने चुराई थी, मतलब है तुमने चुराई थी। जाओ माफी मांग, पांव पर जाओ, जाओ। देखो दीदी, मैंने कसम खाई थी ना, मैं चोरी नहीं करूंगा। मैंने चोरी नहीं की थी। हाँ राजा, आनंद तुम कहाँ जा रहे हो? बस जा रहा हूँ। तुमको और भाभी को अपना बेटा मिल गया, बुआ जी को अपनी मूर्त मिल गई, और राजा को अपनी खोई हुई बहन। अब मेरा यहाँ क्या काम? विद्या, मैं जा रहा हूं। सुनिए, एक अंधी से शादी करेंगे। इसका मतलब है विद्या फिर से देख सकेगी। श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू डॉक्टर। एनी टाइम। थैंक यू। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।